दि गुजरात बैकर्स फेडरेशन का प्रथम वर्षीय सम्मेलन तारीख 28/11/2022 को दि गुजरात बैकर्स फेडरेशन की प्रथम वर्ष की पूर्णाहुति पर एक कार्यक्रम अहमदाबाद के टागोर हॉल में आयोजित किया गया। फेडरेशन के चेयरमैन लियाकत अली अंसारी और वाइस चेयरमैन जैनुल आबिदीन अंसारी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ गुजरात। इलेक्शन स्पेशल ऑफर, बाय वन गेट वन फरकी वाला, मोती बेकरी के पास, दानी मरोड़, अहमदाबाद। सर तारीफ दीजिए आपका। जैनुल आबिदीन अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट द गुजरात स्टेट बेकर्स फेडरेशन गुजरात अहमदाबाद। किस तरीके से प्रोग्राम रखा गया बेकर फेडरेशन के द्वारा? 28/11/2021 को हमारा लास्ट चुनाव हुआ था, उसमें जो नई बॉडी पूरी आई थी, हमारे आली जनाब प्रमुख लियाकत अली अंसारी जी की सदारत में नई बॉडी का जो इंतकाफ हुआ था, उसका पहला साल, आज पहला एनुअल फंक्शन दी गुजरात स्टेट बेकर फेडरेशन का पार्डी टैगर हॉल में रखा गया, जिसमें गुजरात से तमाम जिलों से और नवसारी से लेकर पालनपुर तक, हिम्मतनगर बनासकांठा से लेकर पूरे कच्छ तक, हर ज़िले से हमारे बेकरी के उपभोक्ता जो हैं आज अहमदाबाद में आए और पहले साल की खुशियां साथ साथ में फेडरेशन के द्वारा लास्ट एक साल में किए गए काम और पॉल्यूशन को लेकर जो सरकार की पॉलिसी थी उसकी जागृति का जो हमने काम किया था उसके बारे में, और आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है, बेकरी उद्योग को क्या ज़रूरत है उसको बताने का आज एग्जीबिशन के द्वारा भी प्रोग्राम किया गया, जिसमें तमाम जो बेकरी उद्योग के साथ साथ में हम नए भारत की न्यू निर्माण के अंदर बेकरी उद्योग कैसे अपने आप को मक्कम रख सकता है, जिसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भारत की नींव मजबूत करता है, उस मजबूत नींव को रखने के लिए स्मॉल स्केल को कैसे बढ़ावा मिले उसकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम भी रखा गया, जिसमें AMC कॉरपोरेशन के और गुजरात सरकार के अधिकारी मौजूद रहे, उन्होंने अपना मार्गदर्शन भी दिया, बेकरी उद्योगों ने इसका तमाम जानकारी ली, और एक साथ में विशेष जिन लोगों ने अपने गुजरात में अपनी ब्रांड बनाई है और बेकरी उद्योग का नाम रचा है, ऐसे जो TGB है, सुपर ब्रेड है, एम्पायर बेकरी, इम्पीरियल बेकरी, रॉयल फूड, अंगूर फूड, इंडियन बेकरी, जूनियर बेकरी, गुलशन बेकरी, ऐसे तमाम लोगों का आज यहाँ इस्तकबाल किया गया, ताकि उनको देखकर गुजरात की जो दूसरी बेकरी हैं वो अपने आप को नए अवेयरनेस में लेकर आएँ और गुजरात और हिंदुस्तान में एक बेकरी हब के रूप में, जो एक बेकरी में जब बिस्किट बनता है उसको अरविंद भाई भी खाता है, उसको अली भाई भी खाता है, बेकरी में बिस्किट में हर समाज के लोग उसको प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ऐसी भावना से एक अच्छी क्वालिटी का बिस्किट बने, अच्छी सेहतमंद का बिस्किट बने, ऐसी यहाँ अवेयरनेस की बात की गई। जिस तरीके से पहले बेकरी काम कर रही है उससे थोड़ा हटके आप एक साल से काम कर रही है, नई बॉडी बनी है, कितना फ़ायदा पहुँचा है, खास आप लोग किस तरीके से पूरी गुजरात में काम कर रहे हैं, अभी अवार्ड दिए गए तो कितने लोगों को मिला है? देखिए, जैसा आपको मैंने बताया, हमारे प्रमुख आली जनाब लियाकत अंसारी की सदारत में गुलिस्तान एक साल के अंदर फेडरेशन ने खासकर पॉल्यूशन को लेकर और जो पॉलीथीन है, जो पतली पॉलीथीन वापरते हैं, उसके एक अवेयरनेस लेकर आए कि सरकार की जो पॉलिसी है उसका अमलीकरण हो, ताकि गुजरात के अंदर जो बेकरी का प्रोडक्ट बने उसकी अपनी क्वालिटी हो, सरकारी अधिकारी आपको परेशान ना करें, आप सरकार के गाइडलाइन के थ्रू ही काम करें, अपने प्रोडक्ट को इतनी क्वालिटी की गुणवत्ता जो एक सरकारी जो गाइडलाइंस है उसके तहत अपने प्रोडक्ट बने, ऐसा अपने एक साल में कोशिश करिए, ताकि बेकरी उद्योग जो है गुजरात के अंदर अपना नाम रोशन करे और अच्छी क्वालिटी के अंदर, जैसे हमारे जुआपुरा फेमस बेकरी है, उनका अपना एक क्वालिटी बनती है, तो उस क्वालिटी को लेकर जो पूरा एक नाम हो रहा है उसको अवेयरनेस के लिए हमने अपना जो है काम करा है, और साथ साथ में जो जिन लोगों ने अच्छा काम किया, जैसे आपको मैंने बताया कि सुपर ब्रेड, फेमस बेकरी, TGB बेकरी, जिन लोगों ने अपने आप को बेकरी के प्रोडक्ट के अंदर एक नई ऊंचाई पर पहुँचा है, उनको देख के दूसरे जो बेकरी वाले हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा है, ऐसे उनको आज लगभग 26 ऐसे गुजरात के उद्योग हैं जो बेकरी से जुड़े हुए, जिनको सम्मान से नवाजा गया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द राइट।